हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मेरा नाम है सचिन और मैं आपको बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। गाइस, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो कक्षा 12 का चैप्टर 1 है जीवों में जनन, उसमें हम लोग पांच उसके क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उसके बारे में हम लोगों ने पांच क्वेश्चन को हल कर लिया था। गाइज, आज हम लोगों का जो 6वां क्वेश्चन है वह है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए तथा कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। तो गाइज, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन या अलैंगिक संतति तथा लैंगिक संतति ये दोनों एक ही होते हैं। तो अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन के बारे में हम लोग क्वेश्चन 5 में पढ़ लिए हैं। जो क्वेश्चन 5 था वह था अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के मध्य उत्पन्न संतति को अंतर में बताइए। तो हम लोगों ने यहाँ पर इन दोनों को पढ़ लिया है, तो जो उसका आंसर है वही इसका भी आंसर है। तो हम लोग इसमें ये नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे कि कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। तो गाइस, कायिक जनन क्या होता है? वे जब किसी पेड़ पौधे के किसी जड़, तना या पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण कर दे तो उसे हम लोग कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन में जो जैसे मान लीजिए तने से, जैसे मान लीजिए ये तना है और अगर तने से पेड़ का निर्माण हो रहा है, तने से पेड़ का निर्माण हो, नए पादप का निर्माण हो रहा है, तो जिस प्रकार का ये तना रहेगा उसी प्रजाति का ही ये पेड़ होगा, अगला पादप होगा। और तो इसी मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो संतत उत्पन्न होगी वह जनक के समान होगी। और अलैंगिक जनन में भी यही होता है कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतत एकदम जनक के एकदम समान होती है, और यहाँ पर कायिक जनक के द्वारा भी उत्पन्न संतत जनक के समान होती है। तो इसलिए अलैंगिक जनन को कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन इसलिए माना गया है क्योंकि जो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति होता है उसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती और कायिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न संतति में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति की आकार की संरचना व अनुवांश की बनावट एक समान होती है तथा इसमें युग्मनज का भी निर्माण नहीं होता और समसूत्री अर्धविभाजन भी अनुपस्थित रहता है। तो गाइज, आइए लिखते हैं। पहला, ये अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के अंतर के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5वीं में हल कराया गया है, तो यहां पर केवल हम लोग यही हल करेंगे। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर इसका है, कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन इसलिए माना गया है क्योंकि कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न पादप की आकारिकी संरचना व अनुवांशिकी गुणधर्म एक समान होता है। तो गाइज, इसलिए कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन माना जाता है। तो गाइज, अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दो। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? 7वां है,
कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दो। कोई दो उपयुक्त उदाहरण दो। तो गाइस, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कायिक प्रवर्धन वह प्रवर्धन है जिसमें किसी पादप के जड़, तना या पत्तियों के द्वारा नए पादप का निर्माण किया जा सके, तो उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब कायिक प्रवर्धन का एग्जांपल जैसे ब्रायोफिलम की पत्ती हो गई, इसके पश्चात शीशम, आंवला, अमरूद, गन्ना, गुड़हल, गुलाब इत्यादि सभी प्रकार के इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो गाइस आइए लिखते हैं इसका उत्तर। किसी पादप के जड़, तना व पत्तियों को उचित वातावरण में लाने पर वे स्वयं एक नए पादप का निर्माण करते हैं, तो उसे कायिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो गाइज अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कोई दो उपयुक्त उदाहरण, तो इसका उदाहरण हो जाएगा उदाहरण में हम लोग दे देते हैं पहला पत्तियों के द्वारा और दूसरा दे देते हैं जड़ों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा हो जाएगा ब्रायोफिलम की पत्ती और जड़ों के द्वारा दो प्रकार का होता है, एक होता है मूसला जड़, एक होता है अपस्थानिक जड़। तो जड़ों के द्वारा में हम लोग दे देते हैं अपस्थानिक जड़। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आंवला, अमरूद, शीशम। यह हो गया हम लोगों का सातवें क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि गाइस जड़ों के द्वारा यह दो प्रकार का होगा, एक होता है मूसला, एक अपस्थानिक। हम लोग मूसला वाला न देकर अपस्थानिक जड़ दे दिए। अगर आप सबको इन सभी के बारे में पढ़ना है तो जो हम लोगों ने अलैंगिक जनन पढ़ा है उसमें इसका एग्जाम्पल है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ाया है। तो गाइस यह हो गया छठवां व सातवां क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके पहले इसे साफ कर लें।
तो गाइस जो हम लोगों का आठवां क्वेश्चन है वह है व्याख्या करें पहला किशोर चरण के बारे में, दूसरा प्रजनन चरण के बारे में, तीसरा जीर्णा चरण या जीर्णा अवस्था के बारे में। तो गाइस आइए हम लोग लिखते हैं इसमें हम लोग पहला इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर इसे हम लोग हेडिंग वाइज से लिखेंगे। उत्तर हो गया इसका, इसमें पहला हो जाएगा गाइस, इसमें हम लोगों का पहला हो जाएगा किशोर चरण, किशोर चरण। तो गाइस आइए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं किशोर चरण क्या होता है। किसी जीवधारी की वह अवस्था, किसी जीवधारी की वह अवस्था जिसमें वह प्रजनन करने के लिए असमर्थ रहता है, असमर्थ रहता है तो उसे किशोर चरण कहते हैं, किशोर चरण या किशोरावस्था कहते हैं। यह अवस्था एक साल से लेकर 14 वर्ष तक होता है, 14 वर्ष तक होता है, 14 वर्ष तक होता है। अब इसके पश्चात गाय जिसमें जो दूसरा है वह है प्रजनक चरण, खा वाला प्रजनक चरण। तो गाय आइए अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं किसी जीवधारी की वह अवस्था जिसमें वह प्रजनन करने के लिए सक्षम हो जाता है, प्रजनन करने के लिए सक्षम हो जाता है। यह अवस्था पंद्रह से लेकर पैंतालीस वर्ष तक होती है। फिर इसके पश्चात गाय जिसमें तीसरा है जीर्णता चरण या जीर्णावस्था, ग वाला है जीर्णता चरण। तो गाइस ये इसके बारे में लिखते हैं किसी जीवधारी की वह अवस्था जिसमें वह
प्रजनन, जिसमें वह प्रजनन करने के लिए असक्षम हो जाता है, करने के लिए असक्षम हो जाता है, असक्षम हो जाता है। यह अवस्था प्रजनक चरण के बाद आता है। यह अवस्था प्रजनक चरण के बाद आता है। यह अवस्था प्रजनक चरण, यह अवस्था प्रजनक चरण के बाद आती है, के बाद आती है। यह 45 से लेकर 60 वर्षों तक होती है, तक होती है। गाइज, तो यह हो गया हम लोगों का 8वीं क्वेश्चन का आंसर। हम लोग इसमें किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णता चरण के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां है, वह है, 9वां है, अपने जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है क्यों। हम लोगों का 9वां क्वेश्चन है, वह है, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है क्यों। 9वां क्वेश्चन, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है क्यों। तो गाइस, जो हम लोगों का 9वां क्वेश्चन है, वह है, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है क्यों। क्योंकि गाइस, मैं बता दूं आप लोगों को लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें मेल व फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग जीव में पाए जाएंगे। आफ्टर दैट फ्यूज के बाद उनमें जायगोट का निर्माण होगा, जायगोट के निर्माण के पश्चात उसमें शिशु का निर्माण होगा। तो गाइज, वेरिएशन, विभिन्नताएं जो होगी वो केवल लैंगिक जनन के द्वारा होंगी, अलैंगिक जनन के द्वारा नहीं होंगी। क्योंकि अलैंगिक जनन में जो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों एक ही जीव में पाए जाएंगे, जिसके कारण वहां पर विभिन्नता का कोई चांस ही नहीं है। तो लैंगिक जनन में, इसमें जो लैंगिक जनन है, इसमें विभिन्नता का पूर्ण रूपेण चांस है, क्योंकि इसमें मेल अलग जीव में पाया जाएगा, फीमेल अलग जीव में, दोनों फ्यूज करेंगे, इसके पश्चात जायगोट का निर्माण होगा, जायगोट के पश्चात शिशु का निर्माण होगा। तो वेरिएशन के लिए लैंगिक जनन को अपनाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है, बड़ी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है क्यों। तो बड़ी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को, उसमें विभिन्नता के लिए जीन कुल के लिए, उत्परिवर्तन के लिए, वह पौरुष शक्ति या जीवन शक्ति के लिए अपनाया है। तो गाइज, आइए हम लोग इसमें लिखते हैं, इसमें पहला चरण जैसे हो गया, आइए इसका उत्तर लिखते हैं। पहले उत्तर, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को निम्न
कारणों से पाया है, निम्न कारणों से पाया है, निम्न कारणों से पाया है। तो गाइस इसमें पहला हम लोग लिखेंगे पहला इसमें क्या हो जाएगा विभिन्नता, गाय जाइए हम लोग इसमें लिखते हैं बड़े जीवों में एक ही प्रजाति के विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्नता केवल लैंगिक जनन के द्वारा ही हो सकता है, लैंगिक जनन के द्वारा हो सकता है क्योंकि लैंगिक जनन में जननांग भिन्न भिन्न जीवों में पाए जाते हैं, तो गाइज इसमें हम लोगों का पहला है विभिन्नता, बड़े जीवों में एक ही प्रजाति के विभिन्न प्रकार के जात के जीवों में विभिन्नता केवल लैंगिक जनन के द्वारा हो सकता है, क्योंकि लैंगिक जनन में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वह अलग अलग जीवों में होगा, इसके पास इसीलिए इसमें विभिन्नताएं पाए जाएंगे वो केवल लैंगिक जनन के द्वारा। इसमें दूसरा हो जाएगा उत्परिवर्तन किसी भी जीव में उसके जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन के दौरान जीव की आकार की संरचना लैंगिक जनन पर निर्भर करता है, और गाइज इसमें तीसरा हो जाएगा जीवन शक्ति, पौरुष या जीवन शक्ति।
तो गाइज आइए हम लोग इसमें लिखते हैं लैंगिक जनन के द्वारा जीव की जीवन शक्ति निरंतर बनी रहती है। जीवन शक्ति निरंतर बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है। गाइस यह है हम लोगों का पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें हम लोगों ने तीन चरण को पढ़ा। पहला है विभिन्नता, क्योंकि बड़े जीवों में एक ही प्रजाति के विभिन्न प्रकार के जाति में विभिन्नता केवल लैंगिक जनन के द्वारा हो सकता है, क्योंकि लैंगिक जनन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग जीव में रहेंगे। क्योंकि जैसे ये मेल है और ये फीमेल है, इसका जो अलग लक्षण होगा इसका अलग लक्षण होगा, और जब इन दोनों को निषेचन करा देंगे, निषेचन कराने के पश्चात जो संतति होगा उसका अलग लक्षण होगा, जो संतति होगा उसका अलग लक्षण होगा। और गाइज अगर हम लोग इसमें अलैंगिक जनन को अपनाते हैं तो अलैंगिक जनन है उसमें नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र एक ही जीव में पाया जाएगा, और उसके आकार की संरचना जो संतति होगी उसके आकार की संरचना जनक के एकदम समान होगी, तो इसमें विभिन्नता हमें मिल नहीं सकती। तो इसलिए हम लोग लैंगिक जनन को इसमें अपनाते हैं। दूसरा उत्परिवर्तन, किसी भी जीव में उसके जीन में होने वाले अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, और उत्परिवर्तन के दौरान जीव के आकार की संरचना लैंगिक जनन पर निर्भर करती है, क्योंकि गाइस अलैंगिक जनन पर उसका कोई चांस ही नहीं निर्भर करने का। इसके पश्चात आता है पौरुष या जीवन शक्ति। लैंगिक जनन के द्वारा जीव की जीवन शक्ति निरंतर बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि जीव की निरंतर जो पौरुष शक्ति होती है उसमें विभिन्नता बराबर आती रहती है। बड़ा जीव है उसकी जो पौरुष शक्ति होगी अधिक होगी, उससे भी बड़ा जीव आएगा उसकी पौरुष शक्ति अधिक होगी। जैसे मान लीजिए यह कोई पादप है, यह कोई पादप है, यह कोई पादप है और यहाँ पे इसका पुष्प है। अब जैसे मान लीजिए यह पुष्प है जो अब यह निषेचन कर रहा है, जैसे मान लीजिए इस पर किसी दूसरे पुष्प के पराकण इसके वर्तिकाग्र पर आए, निषेचन की क्रिया को पूर्ण किए, तो जो अगला पादप जो इसमें अगला संतति उत्पन्न होगा वह उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी, अर्थात जो यह रहेगा और जो यह जनक के द्वारा आएगा उसके द्वारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पुष्प है और इसके द्वारा यहाँ पर मेल गैमेट इस पर आया, तो इस पुष्प का और इस पुष्प का दोनों का लक्षण जो होगा इस या जो अगला पुष्प होगा दोनों का लक्षण इसमें आएगा, दोनों का लक्षण इसमें आएगा। तो गाइज इसकी जो पौरुष शक्ति रहेगी, जीवन शक्ति रहेगी, जनन करने की शक्ति रहेगी वह निरंतर बनी रहेगी। और अगर जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसमें अलैंगिक जनन को अपनाते हैं तो क्या होगा? तो यही होगा, जैसे ये पादप कमजोर है इसमें केवल है, जैसे यह पादप एकदम कमजोर है इसमें जो बीज की उत्पादकता होती है, बीज की गुणवत्ता है वह एकदम कम है, तो जो अलैंगिक जनन है इसमें केवल दोनों जनन तंत्र एक ही जीव में पाए जाएंगे, तो इससे जो उत्पन्न संतति होगी जो इसका लक्षण रहेगा वही इसका भी लक्षण रहेगा, दोनों का लक्षण सेम रहेगा, इसमें इसमें उत्पादक क्षमता कम है इसमें भी उत्पादक क्षमता कम होगी, और लैंगिक जनन रहेगा तो उसमें इसका गुण भी आएगा, इसका गुण भी आएगा, दोनों का गुण मिलके इसमें आएंगे, इसकी गुणवत्ता हमेशा उच्च होती है। इसलिए गाइज हम लोग इसमें लैंगिक जनन को अपनाते हैं। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का नवा क्वेश्चन। अब हम लोग दसवें क्वेश्चन को पढ़ेंगे। व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मक जनन और सदैव अंतर संबंधित होते हैं। गाइज आइए हम लोग दसवें क्वेश्चन को भी हल करते हैं। गाइज इसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में ही पूरा दिया गया हम लोगों का जो चैप्टर वन है जीवों में जनन। तो गाइज अभी हम लोग दसवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो दसवां क्वेश्चन है वह है व्याख्या करके बताएं कि व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन,
अर्ध सूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। तो गाइज आइए हम लोग इसमें लिखते हैं। गाइज ये क्या पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन में व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। मतलब अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक जनन के बीच में क्या संबंध है, जिसके कारण ये एक दूसरे के संबंध में है, उसका क्या संबंध है, मतलब क्या इसमें लक्षण है। आइए हम लोग इसके उत्तर को लिख कर समझते हैं उत्तर। और गाइज ये जो अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक जनन अंतर संबंधित है क्यों है, या केवल हम लोगों को लैंगिक जनन में मिलेगा देखने को, अलैंगिक जनन में कोई चांस नहीं है। क्योंकि लैंगिक जनन में मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि इसमें नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र दूसरे दूसरे पाद में होते हैं, इसलिए इसमें ये इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे। तो गाय जाइए लिखते हैं लैंगिक जनन में लैंगिक जनन में दो जीवों के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। पहले हम लोग निषेचन लेंगे। दो जीवों के द्वारा निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है, निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है, निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है, निषेचन के दौरान युग्मनज का निर्माण होता है, निषेचन के दौरान द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, लेकिन युग्मक जनन में एक गुणित होकर जीव का निर्माण करता है और अर्धसूत्री विभाजन में एक गुणसूत्र का अपचयन हो जाता है या एक गुणसूत्र अपचयित हो जाता है इसलिए युग्मक जनन सदैव अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन
तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। गाइस आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। लैंगिक जनन में दो जीवों के द्वारा निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। निषेचन के दौरान द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, लेकिन युग्मक जनन में युग्मनज एक गुणित होकर जीव का निर्माण करता है और अर्धसूत्री विभाजन में एक गुणसूत्र अपचयित हो जाता है। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित रहते हैं। आइए जैसे हम लोग समझते हैं, यह फीमेल गैमिट है, जैसे यह मतलब यह मेल गैमिट के द्वारा यहाँ पर आया गैमिट और फीमेल, यहाँ पे लिख देते हैं यह मेल और यह फीमेल। इसकी पोलरिटी मान लीजिए जैसे यन है, इसकी पोलरिटी यन है, ये दोनों फ्यूज किए, फ्यूज करने के पश्चात इसकी पोलरिटी 2N हो गई। अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात इसकी पोलरिटी NN हो गई और जो नए जीव का निर्माण करेगा युग्मक जनन उसमें वह केवल एक गुणित होकर करेगा, एक गुणित होकर नए जीव का निर्माण करेगा तो यहाँ पर एक गुणसूत्र का अपचयन हो गया। किसके द्वारा हुआ? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? वह विभाजन जिसमें कोई भी गुणसूत्र अपने प्रारंभिक अवस्था का आधा हो जाता है। यहाँ पे 2N है, यहाँ पे N हो गया, प्रारंभिक अवस्था का आधा हो गया, तो इसे हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो गाइज इसलिए युग्मक जनन व अर्धसूत्री सदैव एक दूसरे से अंतर संबंधित रहते हैं। एक बार फिर से, मेल गैमिट की पोलरिटी N, फीमेल गैमिट की पोलरिटी N, दोनों फ्यूज किए, निषेचन की क्रिया किए तो दोनों जुड़ गए, 2N हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को अर्धसूत्री व युग्मक जनन में अंतर बताना है। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यहाँ पर यह दो भागों में बट गया, क्योंकि क्यों बटा? क्योंकि युग्मक जनन एक गुणित होकर जीव का निर्माण करता है, यहाँ पर यह एक गुणित हो गया, इसके द्वारा वह जीव का निर्माण किया तो और एक गुणसूत्र का यहाँ पर मतलब यह गुणसूत्र अलग हो गया, यह निषेचन मतलब यह नए जीव का निर्माण करेगा और यहाँ पर हुआ अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पर हो गया अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पर हो गया अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पर हुआ अर्धसूत्री विभाजन, फिर इसके पश्चात यहाँ से नए युग्मक जनन का निर्माण हो गया, युग्मक जनन युग्मनज का होगा, युग्मनज। अब फिर यह युग्मनज फर्टिलाइज करेगा, फिर यह न्यू जीव का निर्माण करेगा, नए जीव का निर्माण करेगा। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर मेल गैमिट आया, फीमेल गैमिट आया, दोनों के पोलरिटी 2N हो गई। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो यह युग्मनज है यह एक गुणित होकर जीव का निर्माण करेगा, अब यहाँ से यह द्विगुणित हो गया और यह द्विगुणित मतलब यह अलग अलग हो गया, एक गुणित हो गया, यह कैसे होगा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन वह विभाजन होता है जिसमें कोई भी गुणसूत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था का आधा हो जाता है, उसे हम लोग अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। तो यहाँ पर 2N था, यहाँ पर N हो गया, अब यह एक गुणित होकर नए जीव का निर्माण करेगा और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन व युग्मनज एक गुणित युग्मनज का इस प्रकार से अंतर संबंधित ही रहते हैं। तो गाइज बस आज का वीडियो यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसके आगे का क्वेश्चन है, अभी इसमें 11 से लेकर 18 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में ये आठों के आठों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। आज का वीडियो बस यहीं तक। गाइज अगर आपको वीडियो समझ में आया, पूरा समझ में आया, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से पढ़ सकें। फिर इसके पश्चात मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।